भाभी के हाथ की रोटी का जवाब नहीं भैया। अच्छे पिसे आटे का कमाल है अनिल। सुनील भैया, काश ऐसा ही कमाल हम किसानों के खेत की मिट्टी के साथ होता तो फसल कितनी अच्छी मिल जाती। नहीं यहाँ चक्की चक्की की बात है और वहां ट्रैक्टर ट्रैक्टर की। तू चल मेरे साथ। चल। अब मैं इन दोनों जमीनों की मिट्टी छान कर दिखाता हूँ, तू मुझे बताना कौन सी ज्यादा महीन है। ठीक ठीक बैठ। ये मंगल का। उधर ला। अब बता। कौन सी मिट्टी ज्यादा महीन है? ये वाली। मंगल की जमीन की मिट्टी है ये। यानी अपना मैसी मंगल। जब बात हो बेहतर उपज की तो महीन मिट्टी सबसे जरूरी है, और जब बात हो महीन मिट्टी की तो सिर्फ एक नाम सही है, मैसी 241, क्योंकि सिर्फ इसमें है 5 की शक्ति। मैसी में है अनोखी मिन लॉस पावर लाइन, जिससे पावर केवल एक पीटीओ गियर द्वारा न्यूनतम नुकसान के साथ इंजन से सीधे पीटीओ को जाता है। अन्य ट्रैक्टरों में पावर इंजन से पीटीओ तक कई गियरों के माध्यम से जाता है, जिससे पावर का अधिक नुकसान होता है। तो चूंकि मैसी 2-3 HP ज्यादा पीटीओ पावर देता है, इसीलिए वो मिट्टी को भी सबसे महीन कर पाता है। मैसी में है खास पावर वेटर क्लच, जो पीटीओ को लगातार पावर देता है। इससे गियर बदलते समय और ट्रैक्टर के एक स्थान पर रहने पर भी पावर वेटर रुके नहीं। अन्य ट्रैक्टर में क्लच दबाते ही पीटीओ को पावर नहीं मिलता है और पावर वेटर रुक जाता है। एक नजर हेलिक्स पावर टेक्नोलॉजी पर। एग्रीस्टार पावर वेटर में है हेलिकल ब्लेड का आयोजन, ये दे क्रमिक कटाई की सुविधा, जिससे इंजन पर पड़े कम लोड, जो मैसी और पावर वेटर की जोड़ी को बनाए सबसे उत्तम। मैसी में है विशेष DTRB, यानी डबल टेपर रोलर बेयरिंग टेक्नोलॉजी। ये पीटीओ शाफ्ट को वाइब्रेशन सहन करने में मदद करता है, जिससे उसकी उम्र बढ़ती है। अन्य ट्रैक्टरों में सिर्फ एक बेयरिंग होने के कारण पीटीओ शाफ्ट वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाता, जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है। मैसी में है सिम्पसन सुपर टॉर्क इंजन, जहां अन्य ट्रैक्टर 1800 से 2200 RPM में 540 पीटीओ RPM देते हैं, वहीं मैसी सिर्फ 1500 से 1800 RPM में 540 पीटीओ RPM देता है। इससे फायदे एक नहीं अनेक हैं। बेहतर ईंधन क्षमता, कम घिसाई, इंजन का कम गर्म होना और इंजन की लंबी उम्र। जी हाँ, मैसी 5 की शक्ति दे सबसे महीन मिट्टी और अच्छी फसल भी। अभी तो बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर है, ये मैसी है।